नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 13वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इस पुस्तक के अध्याय 4 की, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस की। दोस्तों, यदि यह वीडियो सीरीज आपके लिए आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की आपकी सहायता करती है, तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें दोस्तों, जो आपकी ही तरह किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, ताकि उनको भी हमारी इस वीडियो सीरीज का पूरा पूरा लाभ मिल सके। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए पूरे इंडिया के उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगी, जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस से। दोस्तों, आउटपुट डिवाइस को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। इन दो भागों में हम आउटपुट डिवाइस को बांट कर देखते हैं। दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, वे सभी डिवाइसेस आते हैं जिनको हम या जिनमें हम आउटपुट को डिजिटली देख सकते हैं। हम डिस्प्ले पर देख सकते हैं, हम पर्दे पर देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। प्राप्त आउटपुट को हम हार्ड रूप में या कागज पर प्राप्त नहीं कर पाते, तो ऐसे सभी आउटपुट डिवाइस को हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और दोस्तों, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस वे होते हैं जिसमें प्राप्त आउटपुट हमें कागज पर प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हम मॉनिटर की चर्चा करेंगे, प्रोजेक्टर की चर्चा करेंगे, स्पीकर की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में दोस्तों प्रिंटर एवं प्लॉटर की चर्चा हम आने वाले समय में इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस से। ऐसे डिवाइस जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दोस्तों, आपसे यहाँ कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे डिवाइस जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, या प्रिंटर से पेज पर प्रिंट कर सकते हैं, या संगीत सुनने के लिए आउटपुट के रूप में हम स्पीकर का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं मतलब हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, पेज पर प्रिंट ले रहे हैं मतलब इसका है हम हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, स्पीकर से हम गाने सुन रहे हैं मतलब हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन आदि। दोस्तों, इनकी चर्चा एक-एक करके इस वीडियो में हम क्रमानुसार करने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अब हम बात करेंगे मॉनिटर की। दोस्तों, मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी की तरह स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे VDU भी कहा जाता है। VDU का फुल फॉर्म है दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों, यह सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हम क्यों मॉनिटर को कहते हैं। अब हम बात करेंगे मॉनिटर की गुणवत्ता की। दोस्तों, मॉनिटर की गुणवत्ता का आकलन हम निम्न चीजों से करते हैं या निम्न बातों से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिक्सल को, फिर रेजोल्यूशन को, फिर रिफ्रेश रेट को, और फिर रिस्पॉन्स टाइम को। अब एक-एक करके हम इन चारों बिंदुओं की चर्चा विस्तार से करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिक्सल की। दोस्तों, मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली प्रत्येक सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, जिन्हें हम डॉट या पिक्सल कहते हैं। दोस्तों, यह इमेज की सबसे छोटी यूनिट है। आपको ध्यान रखना है, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इमेज की
सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तब आपको आंसर करना है। इमेज की सबसे छोटी यूनिट पिक्सल है। दोस्तों जितने नजदीक ये डॉट होंगे चित्र उतना ही अच्छा और स्पष्ट बनेगा। दोस्तों पिक्सल को हम या इसे हम डॉट पर इंच डीपीआई में मापते हैं, जो 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या बताता है। आपको पिक्सल की यूनिट भी याद रखनी है। दोस्तों हम पिक्सल को डीपीआई में मापते हैं। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। दोस्तों फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न बनता है, और दोस्तों हर प्रकार के एग्जाम में फुल फॉर्म से प्रश्न बनता है, इसलिए आपको फुल फॉर्म को हल्के में या लाइटली नहीं लेना है, आपको उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आपके इससे दो फायदे हैं। एक तो आपका क्वेश्चन सीधा बनेगा, अदरवाइज यदि आप फुल फॉर्म याद रखते हैं तो फुल फॉर्म से दोस्तों आपको एप्लीकेशन या फंक्शन का पता लग जाता है संबंधित टर्म का, तो आपको काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं यदि आप किसी का फुल फॉर्म याद करते हैं। आपको विशेषताओं का अनुमान लग जाता है यदि आपको किसी चीज का पूरा नाम पता होता है, इसलिए मैं इतना जोर देके आपसे कहता हूं फुल फॉर्म पर ध्यान दें। अब हम बात करेंगे रेजोल्यूशन की। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। कहने का मतलब है यदि एक डिस्प्ले है वह अपने ऊपर कितने पिक्सल को एक्सेप्ट कर पाती है, समायोजित कर पाती है, उनको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। हम पूछते हैं कितने रेजोल्यूशन है इस फोन का, डिस्प्ले का, तो कहने का मतलब यही होता है कि जिस डिस्प्ले में आप रेजोल्यूशन के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं वह उस डिस्प्ले में कितने पिक्सल्स की संख्या को इकट्ठा कर पाता है, समायोजित कर पाता है, बांध के रख पाता है, इसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। दोस्तों रेजोल्यूशन मॉनिटर स्क्रीन पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। दोस्तों रेजोल्यूशन से आप पिक्सल्स की संख्या एवं उसकी गुणवत्ता को माप सकते हैं। यदि पिक्सल ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इससे हम पिक्सल्स की संख्या को पता लगा सकते हैं। दोस्तों रेजोल्यूशन अधिक होने से चित्र क्लियर तथा शार्प दिखते हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रेजोल्यूशन 1024x768 पिक्सल हो सकता है। आप यह तथ्य ध्यान रख लें, व्यवहारिक रूप से आपको एग्जाम में इससे सहायता मिल सकती है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, SVGA का फुल फॉर्म होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। दोस्तों फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें, आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। हमने बात करी थी रेजोल्यूशन की, अब हम चर्चा करेंगे डॉट पिच की। दोस्तों दो पिक्सलों के बीच की दूरी को हम डॉट पिच कहते हैं। ध्यान रखिए दो पिक्सल के बीच में जो दूरी है इसको हम डॉट पिच कहते हैं। अब चौथे नंबर पर हम देखेंगे रिफ्रेश रेट को। दोस्तों रिफ्रेश रेट यह बताता है कि मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश रेट बढ़ने से मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ जाती है, और रिफ्रेश रेट को हम हर्ट्ज में नापते हैं। याद रखिए दोस्तों रिफ्रेश रेट को हम हर्ट्ज में नापते हैं, और रिफ्रेश रेट हमें यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी सूचना को रिफ्रेश करता है, कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है, इससे दोस्तों मॉनिटर की क्वालिटी का पता चलता है। अब हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्स टाइम की। दोस्तों किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। दोस्तों आप इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखें, बहुत ही व्यवहारिक है, और जब भी आप किसी भी डिजिटल डिवाइस को, डिस्प्ले वाले डिवाइस को खरीदते हैं, आप इन सब बेंचमार्क के आधार पर उसकी गुणवत्ता का सटीक सटीक आकलन कर सकते हैं। तो व्यवहारिक रूप से भी यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मॉनिटर के प्रकार की। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे CRT मॉनिटर की, जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। दोस्तों इसमें एक बड़ा वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त की जाती है। दोस्तों इसमें वैक्यूम ट्यूब होता है CRT मॉनिटर में।
जिसे हम उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित करते हैं और फिर डिस्प्ले प्राप्त करते हैं। यह टीवी स्क्रीन जैसा दिखाई देता है। दोस्तों ध्यान रखिए, उच्च वोल्टेज द्वारा ऐसे मॉनिटरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता था वह ज़्यादा आता था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा खपत होती है। इसके बाद हम करेंगे एलसीडी मॉनिटर की चर्चा। दोस्तों इसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। दोस्तों इस मॉनिटर में दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा जाता है जिसे वोल्टेज द्वारा डिस्प्ले का निर्माण होता है। दो परतों के बीच में जो आपने क्रिस्टल भरा है उससे वोल्टेज द्वारा आप डिस्प्ले का निर्माण करते हैं। यह बात आप ध्यान रखें एलसीडी मॉनिटर के संबंध में। दोस्तों एलसीडी मॉनिटर का उपयोग मुख्य रूप से लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच आदि में किया जाता है। दोस्तों यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है और यह आरजीवी प्रकाश उत्पन्न करता है। दोस्तों आपको आरजीवी का भी फुल फॉर्म या पूरा नाम याद रखना है, रेड जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, ग्रीन और ब्लू। एलईडी मॉनिटर, दोस्तों इसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। इसमें प्रकाश उत्सर्जन की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण होता है। इसका रेजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। दोस्तों आप यह भी ध्यान रखें कि डिस्प्ले का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे एलसीडी में डिस्प्ले का निर्माण होता है वोल्टेज द्वारा, इसी प्रकार से एलईडी में डिस्प्ले का निर्माण होता है प्रकाश उत्सर्जन की सहायता से। इसके फुल फॉर्म से ही हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आपको फुल फॉर्म को ध्यान रखने की कोशिश करनी है। दोस्तों एलसीडी मॉनिटर से भी पतला होता है और हल्का होता है एलईडी मॉनिटर। दोस्तों यह भी आरजीबी के साथ सफ़ेद रंग भी उत्पन्न करता है। याद रखिए दोस्तों एलसीडी आरजीबी उत्पन्न करता था रेड, ग्रीन, ब्लू। एलईडी मॉनिटर आरजीबी के साथ साथ सफ़ेद रंग भी उत्पन्न करता है, सफ़ेद प्रकाश भी उत्पन्न करता है। दोस्तों प्रकाश कहना चाहिए हमारे लिए, रंग नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमें लाइट दिखाई देती है, इसलिए एलसीडी मॉनिटर आरजीबी प्रकाश उत्पन्न करता है और जो एलईडी मॉनिटर होता है आरजीबी के साथ साथ सफ़ेद लाइट या प्रकाश भी उत्पन्न करता है। अब हम बात करेंगे टीएफटी मॉनिटर की। दोस्तों इसका पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर, टीएफटी। इसमें एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण होता है। ट्रांजिस्टर इसमें स्क्रीन को अधिक चमकदार और रंगीन बनाने में सक्षम होते हैं और इसका डिस्प्ले विभिन्न कोणों से भी देखा जा सकता है। दोस्तों लास्ट पॉइंट में आपसे कहने का मतलब है, यदि आपके पास टीएफटी मॉनिटर लगा है, आपने देखा होगा पहले जो मॉनिटर्स आते थे या जो टीएफटी मॉनिटर नहीं है, यदि आपके घर में एक टीवी लगा हुआ है आप उसको देखते हैं तो आप उसके सामने बैठकर उस टीवी को देख पाते थे। यदि आप दूसरे कोणों से देखते थे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती थी, लेकिन दोस्तों जो टीएफटी मॉनिटर है इसकी सहायता से आप टेलीविज़न को अलग अलग एंगल से भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। टेलीविज़न कहने का मतलब डिस्प्ले, जो भी टीएफटी डिस्प्ले होगी। यहाँ चौथे बिंदु में आपसे यह कहने का प्रयास किया जा रहा है, आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मॉनिटर की। दोस्तों इसमें आयोनाइज्ड गैस को दो कांच प्लेट के बीच में सैंडविच की तरह लगाकर डिस्प्ले किया जाता है। तो दोस्तों सैंडविच की जगह आप बर्गर भी बोल सकते हैं, है ना, एक ही बात है, बीच में लगना चाहिए किसको, आयोनाइज्ड गैस को दो कांच के, ठीक है। इसकी हाई कंट्रास्ट वाली स्क्रीन होती है जिसमें वाइब्रेंट कलर और ब्राइटनेस होती है। दोस्तों यह एलसीडी की अपेक्षा अधिक चमकीला होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें इतनी ही जानकारी की बात करनी थी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अब तक किन किन बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा यह रिवीजन वाला तरीका अच्छा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। हमने शुरुआत करी थी आउटपुट डिवाइस से। सबसे पहले देखा था दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने बात करी थी मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर की। हार्ड कॉपी में हमने देखा था प्रिंटर और प्लॉटर को। उसके बाद हम फिर से एक बार आए थे आउटपुट डिवाइसेस पर। हमने बात करी थी ऐसे डिवाइसेस जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट के रूप में उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें हम हार्ड कॉपी डिवाइस कहते हैं।
दोस्तों आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं या प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं या स्पीकर से सुन सकते हैं। तो जिन्हें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं और जिन्हें सुन सकते हैं उनको हमने सॉफ्ट कॉपी में काउंट किया, और जिन्हें हम प्रिंटर से प्रिंट ले सकते हैं उनको हमने हार्ड कॉपी में शामिल किया। हमने उदाहरण देखे थे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आदि। फिर हमने स्पेसिफिकली शुरुआत करी थी मॉनिटर की चर्चा से, जिसमें हमने बात करी थी मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी स्क्रीन की तरह हम सभी जानते हैं दिखता है, इसको हम वीडियो कहते हैं। वीडियो के फुल फॉर्म पर हमने जोर दिया था विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और दोस्तों यह बात भी करी थी कि जो मॉनिटर है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। फिर हमने बात करी थी किन किन आधार पर हम किसी मॉनिटर की गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं, जिसमें हमने पिक्सल, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, रिस्पॉन्स टाइम की चर्चा करी थी। फिर हम विस्तार में गए थे सबसे पहले पिक्सल की चर्चा पर, जिसमें हमने बोला था कि मॉनिटर पर दिखाई देने वाली प्रत्येक सूचना छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, इसी को हम पिक्सल कहते हैं दोस्तों। और इमेज की सबसे छोटी यूनिट पिक्सल ही होती है, आपको यह बात ध्यान रखनी है, नहीं तो पेपर में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। छोटे छोटे बिंदु आपको गलत नहीं करने हैं दोस्तों, डॉट जितने नज़दीक होंगे चित्र उतना ही अच्छा बनेगा। एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे आप ए लिखते हैं और ए डॉट से आपको बनाना है, यदि आप दूर दूर डॉट बनाते हैं तो आपको इस प्रकार से ए दिखेगा, और यदि आप डॉट्स को बहुत नज़दीक बना देते हैं तब आपको ए स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जितने नज़दीक डॉट होंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी आपको दिखेगी, ये देखिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से, जितने डॉट नज़दीक होंगे चित्र उतना अच्छा बनेगा। तीसरे बिंदु में आपको यह बताया, और डॉट पर इंच दोस्तों इससे हम पिक्सल्स को मापते हैं, एक इंच लंबाई में डॉट्स की संख्या को डीपीआई बताता है। फिर हमने बात करी थी रिजोल्यूशन की, दोस्तों पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देख लें उस पर्टिकुलर पोर्शन पर जाकर जहां पर मैंने इसको समझाने का प्रयास किया था। फिर दोस्तों हमने बात करी थी रेजोल्यूशन मॉनिटर स्क्रीन पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या गुणवत्ता को दर्शाता है। रेजोल्यूशन दोस्तों जितना अधिक होगा चित्र उतने क्लियर एवं शार्प दिखाई देंगे। दोस्तों 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रेजोल्यूशन 10x24x768 पिक्सल हो सकता है। हमने आपको SVGA का फुल फॉर्म भी बताया था जो कि होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, आपको याद रखना है। फिर हमने चर्चा करी थी डॉट पिच की, इसका मतलब होता है दो पिक्सल के बीच की दूरी। फिर हम आए थे रिफ्रेश रेट पर, इसका मतलब होता है मॉनिटर एक सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। दोस्तों रिफ्रेश रेट बढ़ने से मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ जाती है, और रिफ्रेश रेट को हम हर्ट्ज में मापते हैं, जिसका क्या बोलते हैं सिंबल होता है HZ। इतनी बात को आपको ध्यान रख लेना है। फिर हमने चर्चा करी थी रिस्पॉन्स टाइम की, दोस्तों किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगे समय को रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको किसी भी प्रकार से अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने का तात्पर्य है आपके एग्जाम में आपकी सहायता कर रहा है, तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको हमारे वीडियो से लाभ हो रहा है या नहीं, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक, शेयर से ही हमें मनोबल मिलता है और हम आपको लगातार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। हमें तभी मोटिवेशन मिलता है जब आपके रिस्पॉन्स बढ़िया होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यदि कोई कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम उसको दूर करके और अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियो आप और अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपके लिए हम लेकर आ पाएं। दोस्तों क्वालिटीज़ नहीं बोलना चाहिए। चलिए दोस्तों इतना आप जरूर कर देना, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें यदि कोई आपके लिए इतना प्रयास कर रहा है तो। तो चलिए अब हम बात करेंगे मॉनिटर के प्रकार की। सबसे पहले हम बात करेंगे CRT मॉनिटर की, जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। दोस्तों इसमें बड़ा वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त हम करते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में हम इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त करते हैं, यह आपको याद रखना है। टीवी स्क्रीन जैसा दिखता है हम जानते हैं। LCD मॉनिटर का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, विस्तार से चर्चा, आराम से चर्चा हमने इस ही वीडियो में शुरुआती पार्ट में कर ली है।
दोस्तों एलसीडी में क्या होता है, दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा होता है जिसमें वोल्टेज द्वारा हम डिस्प्ले का निर्माण करते हैं। सीआरटी में हम डिस्प्ले का निर्माण करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित करके, एलसीडी में हम डिस्प्ले का निर्माण करते हैं वोल्टेज द्वारा। ठीक है, एलईडी दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है। प्रकाश उत्सर्जन की सहायता से हम इसमें क्या करते हैं, डिस्प्ले का निर्माण करते हैं। फिर से दोस्तों सीआरटी मॉनिटर में हम डिस्प्ले निर्माण करते हैं उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित करके, सीआरटी में उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित करके। एलसीडी में दोस्तों वोल्टेज द्वारा हम डिस्प्ले का निर्माण करते हैं। एलईडी में हम कैसे करते हैं, प्रकाश उत्सर्जन की सहायता से हम डिस्प्ले का निर्माण करते हैं। और दोस्तों टीएफटी मॉनिटर में क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर होता है, इसमें एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण होता है। टीएफटी में कैसे डिस्प्ले बनती है दोस्तों, एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की सहायता से। एलईडी में कैसे बनती है दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जन की सहायता से। एलसीडी में कैसे बनती है दोस्तों, वोल्टेज द्वारा डिस्प्ले निर्माण करते हैं। सीआरटी में कैसे बनती है दोस्तों, हम इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित करके डिस्प्ले का निर्माण करते हैं। अंत में हमने बात करी थी प्लाज्मा मॉनिटर की दोस्तों। हाँ, टीएफटी में एक चीज और, आप इसके डिस्प्ले को विभिन्न कोणों से भी देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको बताने का प्रयास किया। फिर हम आए थे प्लाज्मा मॉनिटर पर दोस्तों, इसमें आयोनाइज्ड गैस को दो कांच की प्लेटों के बीच सैंडविच की तरह लगाकर हम डिस्प्ले प्राप्त करते हैं। इसकी हाई कॉन्ट्रास्ट वाली स्क्रीन होती है जिसमें वाइब्रेंट कलर और ब्राइटनेस होती है, यह एलसीडी की अपेक्षा अधिक चमकीली होती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सीआरटी मॉनिटर, इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित करके डिस्प्ले प्राप्त करते थे। फिर हमने बात करी थी एलसीडी की, इसमें हम दोस्तों वोल्टेज के द्वारा डिस्प्ले प्राप्त करते थे। फिर हमने बात करी थी एलईडी की, इसमें हम प्रकाश उत्सर्जन के द्वारा डिस्प्ले प्राप्त करते हैं। फिर हमने बात करी थी टीएफटी की, इसमें हम एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की सहायता से डिस्प्ले प्राप्त करते थे। इनकी बात हमने करी थी दोस्तों। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी का फुल फॉर्म ने देखा था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का फुल फॉर्म हमने देखा था लाइट इमिटिंग डायोड, टीएफटी का फुल फॉर्म हमने देखा था थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी सहायता करेगा। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ दोस्तों। तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।